संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर द्वारा पूर्व से निर्धारित गल्दा मंडी सीतापुर का गेट बंद कर मंडी सीतापुर में 900 से 1200 रुपए में की जा रही है धान खरीद, उसका विरोध किया जा रहा है। जिला खाद विपणन अधिकारी और मंडी सचिव धरना स्थल मंडी गेट पर आकर किसानों से वार्ता की। समस्या समाधान के लिए धान मिल मालिकों के प्रतिनिधियों और संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों के साथ खाद विपणन अधिकारी और मंडी सचिव की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गल्ला मंडी में पहुंचने वाले किसानों की धान की गुणवत्ता के आधार पर खरीद की जाएगी। चूंकि बारिश के कारण आज मंडी में धान कम था, एक किसान का धान 1450 में बिकवाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि शासन द्वारा संचालित धान क्रय केंद्रों को भी जनपद में स्थापित गल्ला मंडियों के प्रांगण में स्थापित किया जाए, इससे धान क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन आदि की समस्याओं से निजात मिलेगा और क्रय केंद्रों पर होने वाले शोषण से किसानों को बचाया जा सकेगा। संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य उमेश पांडे ने किसानों से एकजुट होकर अपने हकों के लिए संघर्ष का आह्वान करते हुए कहा कि पूंजीपतियों के हाथ अपना सब कुछ बेच रही है केंद्र व प्रदेश की सरकार, किसान विरोधी नीतियों से हम आपको बचना होगा। सिख संगठन अध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही है समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कि किसान मंच प्रदेश प्रभारी शिवप्रकाश सिंह ने किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा अविलंब ठोस एवं प्रभारी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि किसान भाइयों को अपना जमीन और वजूद बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा। कृषि सामग्रियों पर की जा रही अथाह मूल्य वृद्धि बात का प्रमाण है कि भाजपा किसान विरोधी नीतियों के सहारे शोषण करने का कार्य कर रही है। आज के कार्यक्रम में जनरल सिंह, दिव्य सिंह, अल्पना सिंह, जसपाल सिंह, शैलेंद्र राय, दलजीत सिंह, निर्भर सिंह आदि भाई उपस्थित थे। भाइयों, आपसे 5 दिन पहले मैंने मंडी के की थी, सभी किसानों के की थी कि सोमवार हमें 1940 से रेट नीचे पता है कि हमारे कितने आज। हाँ जी, शासन के भी कुछ अधिकारी होंगे कि वो हमारी खिंचवा रहे हैं, जो किसान भूख रहे हैं। किसी भी किसान के ऊपर हमारे यदि मुकदमा थोपे का होगा, किसान मोर्चे का एक कल्ला पड़ेगा सीतापुर पर। किसान के ऊपर मुकदमा 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, इसकी भी फोटो का क्या रेट बिक रहा है हमारा। किसानों का धान 1000 बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 19 किसी भी एक किसान का अगर किसान भाई बताए किसको MSP, किसी को नहीं मिल रही है। ये हवा हवाई में जी और मोदी जी MSP का रेट मिल रहा है MSP का रेट। ये मोदी सर ने तो याद मन ताला बंद रहेगी सर, MSP का रेट तब ये ताला गेट का खुले। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जैसे कि आप सब जानते हो साथियों, अल्टीमेटम दिया गया था आज 5-7 दिन पहले कि मंडी में किसान का धान 1000 से 1100 रुपए में बिक रहा है और हमारी सरकार कह रही है कि MSP है। जिस MSP के गारंटी कानून के लिए आज 11 महीने से किसान बैठा है, पर उसकी बात नहीं सुनी जा रही। हवा हवाई ये हमारे उत्तर प्रदेश की MSP, अगर MSP की गारंटी होती साथियों तो सरकारी सेंटर चलते ना चलते हमें कोई फर्क ना पड़ता। हमारी मंडी का रेट 1940 रुपए जो सरकार ने निर्धारित किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो हमारा धान 1940 रुपए में बिकना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। गल्ला मंडी सीतापुर में 5 दिन पहले इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि अगर MSP रेट पे गल्ला मंडी में खरीद नहीं शुरू हुई तो सोमवार को गल्ला मंडी बंद कर दी जाएगी। जिला प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम किसानों का धान यहां भूसा की कीमत पर थोड़ा सा अंतर है, भूसे की कीमत अगर 700-800 रुपए क्विंटल है तो धान हमारा बिक रहा है 900 से 1100 रुपए 1200 रुपए क्विंटल। ये कितना दुर्भाग्य है किसानों का, इतनी मेहनत से पैदा की गई फसल का रबर पे या तो बिक्री हो पाती है और ना उसका उचित मूल्य मिल पाता है। कहने को तो MSP लागू कर दी गई। इसी मंडी में 2014 में धान बिकता था 1400 रुपए में, MSP थी 1600 के आसपास। मोदी जी के आने के बाद में MSP बढ़ती गई, धान के रेट घटते गए। 700 से 800 रुपया कुंटल सस्ता बिक रहा है किसान का धान और मोदी जी 2022 तक हमारी आमदनी दूनी करने जा रहे हैं। 1100, 950, 1000 में हमारा धान बिक रहा है। हम लोग तबाह हो रहे हैं और राजनेता लोग अट्टहास कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अगर सरकार ने कोई मूल्य निर्धारित किया है तो उस मूल्य से नीचे हमारा धान नहीं बिकना चाहिए। 1100, 1150 में हम अपना धान नहीं बेचने वाले। सरकार को
जिला कलेक्टर को, मंडी सचिव को व्यवस्था बना के हमारे धान का उचित मूल्य दिलाना चाहिए। बहुत हो गया, अब नहीं, बस अब ये बंद होना चाहिए। किसान बहुत धक्के खा चुका, बेवकूफ बनाने का काम सरकारें बंद करें। अगर एमएसपी घोषित की, अगर कोई भाई माचिस का रेट अगर 50 पैसा है, पार्ले बिस्कुट का रेट अगर 5 रुपया है, तो चाहे सीतापुर। आर9 भारत के लिए अरविंद राय की रिपोर्ट, सीतापुर से।